CHSL 2021 में अगर आपका सिलेक्शन हो रखा है, अभी जो रिज़ल्ट 27 को आया है, तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाला है ज्वाइनिंग तक का, मैं आप तक ये वीडियो पूरा डिटेल में लेके आ रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। अभी CGL 2022 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो ऑप्शन फॉर्म आता है आपका, वो चल रहा था और बीच में ये रिज़ल्ट आ गया, तो मैं आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट नहीं कर पाया। कई लोगों के मैसेज आ रखे थे, कई लोग मुझसे इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पोस्ट प्रेफरेंस जब चल रहा था CHSL, तो काफ़ी लोग जुड़े हुए थे मुझसे, तो वो लोग मैसेज कर रखे थे कि सर नेक्स्ट प्रोसेस के रिगार्डिंग, खासकर स्टेट वाइज के लिए, तो वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर है, स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। जिन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे उसमें पहला होगा आपका कि आगे का ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, जितनी भी पोस्टें हैं मैं सभी को कवर करने की कोशिश करूँगा। और एक्सटेंशन के रिगार्डिंग कई लोग हैं जो मैसेज कर रहे हैं कि सर CGL 22 भी लगे हाथ चल रहा होगा, तो उसके रिगार्डिंग क्या कुछ करना होगा, और अगर हम ज्वाइन नहीं करेंगे तो कोई कुछ इशू तो नहीं हो जाएगा। कई बार कैंडिडेट के दिमाग में ये रहता है कि कहीं हम एक बार अगर नहीं ज्वाइन करें तो क्या दूसरे पोस्ट के लिए रिजेक्ट ना कर दिया जाए, तो सब कुछ इसके अंदर कवर किया जाएगा। सबसे पहला मेरा आपको रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आपका जिस पोस्ट पर भी सिलेक्शन हुआ है, चाहे LDC, चाहे PAS, या फिर आप दिल्ली बेस्ड LDC पर ही सिलेक्टेड हो, तो आप अपना ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, ये ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैक्सिमम लोगों के यही कहने रहते हैं कि सर मेरा ग्रुप नहीं मिल रहा, या फिर वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता। देखो टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप जो होता है आपका, वो आपको अप टू डेट रखता है, बिकॉज होता क्या है कि अब आपके कैंडिडेट बट गए, और यूट्यूब पर भी जो लोग जो होते हैं आगे के एग्ज़ाम्स के लिए फोकस करने लग जाते हैं, भाई CGL 22 आ गया, 23 आ गया इसके आगे, तो पीछे की चीज़ें भूल जाती हैं। इसलिए क्या है कि आप जब अपने ग्रुप में रहोगे तो कैंडिडेट एक्टिव रहते हैं, वहाँ पर अपडेट लेते रहते हैं, एडमिनिस्ट्री में क्या हुआ, कहाँ तक चीज़ें पहुँची, आपकी कोई कुछ क्वेरी रहती है तो आप वहाँ पूछ लेते हैं। कई लोग सेलेक्टेड रहते हैं पहले से ही, तो वो आपको हेल्प कर देते हैं, इसलिए ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करके रखिएगा। अगर ग्रुप नहीं मिल रहा है तो परेशान ना होइएगा, मेरे को अगर कोई बना रखा है अपना ग्रुप तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम चैनल पे मुझे पिन कर दीजिएगा, मैं उसको ऊपर पिन कर दूंगा, और इसको लेके बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में ना रहिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितने ग्रुप हैं उन सबको मैं ऊपर पिन कर दूँ, आपको मिल पाए। यार स्टेट वाइज़ के लिए जब ये CHSL का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था, तो मुझे लगता है कि सभी तक ये बुक पहुँच गई होगी, गोल्डन बुक। इस बुक को भी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के उस पर, लिंक ऊपर पिन कर दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने, तो आप एक बार उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे क्या है कि स्टेट वाइज वैकेंसी लगभग 80% पोस्टों की इसमें लगी हुई है, आप एक बार देख सकते हो। जो लोग फर्स्ट टाइम होंगे, जो फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, एक बार ज़रूर जा करके देख लीजिएगा, ताकि अगर आप परेशान होंगे तो देख लीजिए। यार चैनल को आगे ले जाने के लिए सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, अभी एकदम से बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुए हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को अपडेट करने के लिए, सही वे में ले आने के लिए, उसमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जो लोग फर्स्ट टाइम मुझे सुन पा रहे होंगे, या अगर आप गोल्डन बुक आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ एक बार मुझे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उसके बाद लिखिएगा। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस समझने से पहले मैं आपको बता दूँ कि CHSL 2021 में बेसिकली आपको चार तरह की पोस्ट देखने को मिलेगी, अगर मैं चार कैटेगरी में उसको बांटूँ। पहला है आपका पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, मैक्सिमम आधी वैकेंसी लगभग इसी की है आपकी। नंबर दो वो पोस्टें जो दिल्ली बेस्ड LDC, यानी जिनकी पोस्टिंग केवल दिल्ली में होगी, LDC की पोस्टें। तीसरा आपका रैंक बेसिस एलोकेशन, इसमें से कुछ LDC ऐसी हैं जो आपके रैंक बेसिस पर आपका एलोकेट करेंगी। और चौथा आपका रैंडम बेसिस पे, यानी LDC वो जो रैंडम अपनी मर्ज़ी से आपको एलोकेशन देंगी, जो कि मैक्सिमम आपको LDC देखने को मिलेगी। ये चार कैटेगरी की पोस्टें, मैं चारों को कवर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम देखेंगे PAS, क्योंकि आधी जनता इसी पे आपकी है, और इसको लेके बड़ा मैसेज रहता है कि सर क्या स्टेट है, सब कुछ मैं आपको इसमें बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें आपको जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है आपसे, वो आपसे स्टेट के लिए स्टेट प्रेफरेंस मांगेगा, और जो स्टेट प्रेफरेंस आपका होता है, ये आपको जब अपने ग्रुप में आप एक्टिव रहोगे तो उनकी साइट पर ये डल जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की साइट पे, और आपको ये जो ऑप्शन भरना होता है, आपको ये भर के उनको भेजना होगा, बाई पोस्ट भेजना होता था पहले, इस बार हो सकता है कि ऑनलाइन मंगा ले आपसे कि बाई मेल करना हो आपको, तो ये जो आपको भर के देना होता है स्टेट ऑप्शन, ये आप अपने अकॉर्डिंग देते हैं कि आपको ये स्टेट सही लग रहा है। 10 ऑप्शन आपसे मांगेगा, स्टेट 1, 2, 3 करके आप उसको देते हैं, रैंक के बेसिस पर आपका एलोकेशन किया जाएगा। इसमें आपको पहले से चीज़ें सर्कुलेट करी जा रही हैं कि अगर आपका कट ऑफ जनरल से क्लियर हुआ है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपने कट ऑफ अपनी कैटेगरी में क्लियर किया हुआ है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर आपने टाइपिंग में कैटेगरी का बेनिफिट उठा लिया है,
एज रिलैक्सेशन ले रखा है, और अगर आप कट ऑफ जनरल क्लियर कर रखे हो तो आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको गोल्डन बुक में डाल रखी हैं, काफ़ी टाइम से मैं सर्कुलेट करते आ रहा हूँ चीज़ों को, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही आपका स्टेट ऑप्शन का आएगा फॉर्म, आप भर के भेज दोगे, फिर स्टेट अलोकेट हो जाएगा आपकी मिनिस्ट्री की साइड पर, आपको मालूम चल जाएगा कि आपको यूपी मिला, आपको राजस्थान मिला, आपको दिल्ली मिला, तो जो भी स्टेट भर के देते हैं आपको मिल जाता है। सपोज़ करिए आपको यूपी सर्कल आपको चाहिए, यूपी मतलब यूपी स्टेट चाहिए, आपने यूपी भर के दिया, रैंक अच्छी थी, आपको मिल गया। अब जब यूपी मिल जाएगा तो यूपी का जो हेडक्वार्टर, हर स्टेट के जो आपके वो है हेड ऑफिस है, मतलब चीफ पोस्ट मास्टर सर्कल जो आपका है, वहाँ से आपको लेटर आएगा, और वो आएगा लेटर आपको, जैसे यूपी आपको मिल गया तो लखनऊ से आपको आएगा लेटर आपके घर पर कि अब आपको सर्कल ऑफिस या डिवीज़न ऑफिस भर के देना, यानी कि आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑप्शन स्टेट मांगा जाता है। यहीं पर आपसे आपको पीए लेना है कि ऐसे लेना है, वो भी उसमें लिस्ट में लिख के आती है। मैं आपको यार पिछले साल के लगा देता इसमें स्क्रीनशॉट जो पिछले मांगे गए थे, लेकिन टाइम की वाकई बहुत कमी चल रही है, और अभी सीजल जो 22 का प्रोसेस गुजरा है उससे मैं काफ़ी अपने आप को रिलैक्स दे रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक ऐसा बिजी शेड्यूल मेरे लिए अभी तक नहीं गुजरा है, तो थोड़ा सा इस वजह से मैंने इसको शॉर्ट करा है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पीएसए का वही मांगा जाएगा आपसे कि शॉर्टिंग असिस्टेंट लेना है, पीए पोस्टल असिस्टेंट जाना है, कौन सा सर्कल लेना है आपको, वो आप चुन के भेजते हैं। जब वो भर के भेजते हैं तो फिर वहाँ से आपका अटेस्टेशन फॉर्म और ये ना इसी के साथ होता है, जब आप भर के देते हो ना सर्कल ऑफिस और ये वाला, वहीं पर आपको मेडिकल वगैरह करा के भी देना होता है। ये प्रोसेस साथ में होता है, डिस्ट्रिक्ट चुनने वाला और मेडिकल वगैरह का, और उसके बाद आपका वहाँ से ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है कि आपको ये सर्कल ज्वाइन करना है। यहीं पर आप वो रीजनल ऑफिसेज, हेड ऑफिस और सर्कल ऑफिस मांग सकते हो, जहाँ पर 5 दिन का हो, तो आपने सुना होगा ये चीज़ें, तो वो आपके चॉइस पर रहती है, रैंक के बेसिस पर आपको मिल जाता है। अब सवाल ये उठता है यहाँ पर कि कितना टाइम लगेगा, तो अभी आप रिजल्ट आने से लेके 4 से 5 महीने से आप उम्मीद कर सकते हो कि रिजल्ट आने की डेट से इतना टाइम लग जाता है ज्वाइन करते करते। बात कर लेते हैं दिल्ली बेस्ड LDC आपकी, जैसे कि AFH की हो गई, आपकी वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट हो गई, पूरी बुक में मैंने लगा रखा था आपको कि जो दिल्ली बेस्ड आपकी LDC CGM में आपको LDC की पोस्ट मिलेगी उसमें मैक्सिमम आपको दिल्ली वाली रहेगी। तो जैसे ही आपका डोजियर का है, जो आपने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे थे, एक फाइल तैयार हुई होगी जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स लगे हुए थे, वो जब आपकी मिनिस्ट्री को मिल जाएगा, जैसे मान लीजिए कि आपका AFHQ में हुआ है, तो AFHQ को जैसे आपको रिसीव होगा वहाँ पर, मिनिस्ट्री को जैसे रिसीव होगा वहाँ पर, वो आपको अटेस्टेशन फॉर्म इशू कर देगा। अटेस्टेशन फॉर्म में क्या होता है, फिर से आपका बेसिक डिटेल मांगी जाती है, मेडिकल और कैरेक्टर सर्टिफिकेट मंगवा के मांगा जाता है, और वो आपको DV के लिए बुलवाएंगे वहाँ पर। और जब आप वहाँ पर जाएंगे DV के लिए, तो DV जब वो करेंगे कंडक्ट करने के बाद, आपको फिर दोबारा से 15 दिन के बाद आके मेल करेंगे कि या मैसेज करेंगे आपको कि आप आकर ज्वाइन कर सकते हो। ये जो आपका अटेस्टेशन आता है, कई लोगों के मैसेज रहते हैं कि सर ये किसके थ्रू आता है, ये डिपेंड करता है मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री। कुछ मिनिस्ट्री आपको मेल करती हैं, कुछ आपको बाय पोस्ट भेजती हैं। बाय पोस्ट में आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपने SSC की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिखवाया, वहीं पर आपका आता है। तो वहाँ पर आप एक बार जाके बोल आइएगा कि कोई लेटर आपके नाम पर ऐसे आए, तो आपको वो इन्फॉर्म कर दे। बात करें अगर हम ज्वाइनिंग का, तो दिल्ली बेस्ड जितनी भी आपकी मिनिस्ट्री है, 2 महीने से लेकर 3 महीने के अंदर लगभग सभी के हो जाएंगे। अगर AFHQ की बात करें तो AFHQ में टाइम लगता है, 6 से 7 महीने का टाइम आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज़ यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन में थोड़ा लंबा प्रोसेस देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें AFHQ की ज्वाइनिंग वाली चीज़ को भी हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर कवर कर दिया था। इसके कई फ़ायदे भी हैं कि जो लोग अभी CGL 23 देख रहे होंगे तो उनके लिए आराम रहेगा, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं, जिनको जल्दी ज्वाइन करना है, किसी अदर पोस्ट पर है, जल्दी वहाँ से रिज़ाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा ये प्रॉब्लम वाली चीज़ रहेगी। बात कर लेते हैं जो ऑल इंडिया रैंडम बेसिस पर LDC है, जो कि मैक्सिमम है। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को छोड़ दे और डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, CAG में DEO को भी छोड़ दीजिए, बिकॉज CAG में जो DEO है वो भी आपका स्टेट ऑप्शन मांगा जाता है आपसे। बाकी इनको छोड़ के जितने भी आपको LDC मिलेंगी सभी में रैंडम एलोकेशन होता है। तो जो रैंडम वाली LDC है, जैसे ही आपकी आपका डोजियर उनके पास पहुंचेगा, तो वो आपका एलोकेशन करेंगे। यहाँ पर बड़ा एम्बिगुअस रहता है कि यार किस बेसिस पर रैंडम, मतलब क्या किसी को आँख मूंद के पर्चा निकाल लेते हैं क्या? तो नहीं, देखिए रैंडम एलोकेशन में एड्रेस देखी जाती है आपकी, खासकर PWD फीमेल कैंडिडेट, इनको प्रेफरेंस दी जाती है। सपोज़ करिए कोई बंदा है जो मान लीजिए कि दिल्ली के आसपास का इलाका है से बिलोंग करता है, और दिल्ली में एक वैकेंसी है, और अगर मान लीजिए उसमें एक मेल है एक फीमेल है, तो फीमेल को प्रेफरेंस दी जाती है, बिकॉज फीमेल को प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये चीज़ें हैं लोकेशन का, ऐसा मतलब नहीं आँख मूंद के दे देते, लेकिन एक वो भी रहता है कि सभी को नॉर्थ चाहिए, कैंडिडेट भी सारे नॉर्थ के हैं, तो किसी न किसी को तो साउथ जाना पड़ेगा, राइट।
जिस रीजन में, मतलब मान लो सपोज करो आपको कोई एक मिनिस्ट्री मिलती है, मान लीजिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मिला और उसका ऑफिस मान लीजिए कोलकाता में आपका है, आपको कोलकाता एलोकेट किया गया, तो कोलकाता से आपका अटेस्टेशन फॉर्म आएगा और मेडिकल वगैरह करा के आपको वहाँ लेके जाना पड़ेगा। दोबारा से आपको एक बार जब आप मेडिकल कराने मेडिकल और अपना कैरेक्टर वगैरह लेकर दोबारा से डीवी कराने जाते हैं वहाँ पर, तो उसी के साथ आपको कई बार ज्वाइनिंग दे दी जाता है कि आपने डिपार्टमेंटल डीवी कंडक्ट करवाया और उसी के साथ ज्वाइन भी कर सकते हो आप कुछ दिन के बाद, या कई बार आपको थोड़ा टाइम गैप बीच में दिया जाता है। कुछ डिपार्टमेंट क्या करते हैं भाई, आपकी पोस्ट मंगवा लेते हैं, आपके अटेस्टेशन फॉर्म, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर देते हैं। 3 से 4 महीने का आप देख सकते हो जो ऑल इंडिया लेवल पर रैंडम एलोकेशन वाली मिनिस्ट्री हैं आपकी, जो रैंक बेसिस पर है उसमें अंतर ये रहता है कि वो मिनिस्ट्री आपसे पहले डोजियर पहुंचने से पहले ही आपसे स्टेट ऑप्शन का मांग लेता है फॉर्म की, आप अपना स्टेट भर के दीजिए। जो भी स्टेट ऑप्शन मांगता है वो आपसे रैंक बेसिस पर एलोकेशन करता है, ये ध्यान रखिएगा। और रैंक के एलोकेशन में आपका यहाँ पर पीएससी की तरह नहीं है कि कैटेगरी में अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर ली जनरल की तो कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको कैटेगरी का बेनिफिट देखने को मिलेगा। और जो स्टेट आपको एलोकेट किया जाएगा उसमें मान लीजिए आपको केरल सर्कल मिलता है या फिर आपको मान लीजिए कि पंजाब मिलता है, तो वहाँ से आपका अटेस्टेशन फॉर्म बाकी का चीज़ें आता है और वो कंडक्ट करवा के जब आप लेके जाते हैं वहाँ पर तो आपको ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिया जाता है विद इन 15 डेज़ के अंदर। और 3 से 4 महीने आप देख सकते हो कि आपका लगेगा टाइम यहाँ पर ज्वाइन करते वक्त, राइट। बात कर लेते हैं ज्वाइनिंग एक्सटेंशन को लेकर यार, और अगर आपको मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन में टेंशन होगी उसका मैं सेपरेट वीडियो कर दूंगा, बस आप ये प्रोसेस समझ लीजिए और बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल ही रहता है आपका। एसएससी का डीवी कराया है बिल्कुल, उससे काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है डिपार्टमेंट का डीवी। ज्वाइनिंग एक्सटेंशन की बात कर ले हम लोग, तो देखो यार ज्वाइनिंग एक्सटेंशन में कई सारे सवाल रहते हैं कि कैसे लेना होता है, कब लेना होता है, क्या रीज़न देना होगा, कितने महीने का वो ग्रांट करेंगे, क्या इसका सर्विस पर कोई असर पड़ता है, राइट। ये सब कुछ डिटेल मैंने चैनल पे डाल रखा, अगर आप चैनल पे स्क्रॉल करोगे तो ज़्यादा नहीं 1 महीना 1.5 महीने पहले ही आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें पूरा डिटेल में चीज़ें कवर करी गई है, सर्विस रिकॉर्ड पे क्या फ़र्क पड़ता है, प्रोसीजर सब कुछ है उसमें, आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। अगर आप फिर भी कन्फ्यूज़ होते हैं कोई चीज़ को लेकर के, कोई क्वेरी रहती है, तो टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया है या फिर यहीं यूट्यूब कमेंट पर लिख दीजिएगा, मैं उसको देख कर दूंगा। एक अगला सवाल आता है कि सर अगर मैं इसको ज्वाइन ही ना करूं, पीएसए को ज्वाइन ना करूं, एलडीसी ज्वाइन ना करूं, वो भी सीजीएल 22 का भी लगे हाथ साथ ही चल रहा है, वहीं सीधा ज्वाइन करूं, तो क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने पीए या मतलब इसकी पोस्ट ज्वाइन नहीं करा और सीजीएल ज्वाइन कर जाऊं तो फिर एसएससी रोक दे हमें, डिबार कर दे, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप इसकी पोस्ट को ज्वाइन नहीं करते हैं, कोई कम्युनिकेट नहीं करते हैं डिपार्टमेंट से, अगर लेटर आता है तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, आप दूसरी 22 वाली या 23 वाली पोस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा पैनिक ना होइएगा आप, कोई आपकी पर्टिकुलर क्वेरी है किसी डिपार्टमेंट को लेके यार आप लिख दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं यार कि जैसे पहले चीज़ों को आपका लेके आता था, कोई क्वेरी छोड़ू नहीं मैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी कि सारे सवालों के जवाब आप तक पहुँच पाए। पैनिक ना होइए, पूरी हेल्प आपके लिए मेरे तरफ से रहेगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए यार।